सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, यहां पर गोप्रो के वीडियो है अगर जहां तक मुझे याद है, दिखाइए जरा। सीरिया में अमेरिका वर्सेस रशिया, जो कि ब्लैक सी में भी हमने देखा है, अब सीरिया में भी हो रहा है। अब आई एम सॉरी, यहां पर वीडियो नहीं है, जो कि वीडियो होना चाहिए था। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए प्लीज। ये देखिए, सीरिया के आसमान में रूस और अमेरिका के बीच टला टकराव, ये मुझे डिटेल थोड़ी देर पहले सुमित ने भेजी है। रूसी SU-35 फाइटर जेट और USMQ-9 रीपर ड्रोन बेहद करीब आ गए। बड़ी खबर, देखिए शॉर्ट्स यहां पर। होम्स के आसमान में 8000 मीटर की ऊंचाई पर होने वाली थी टक्कर, रूसी पायलट की हाई लेवल प्रोफेशनल स्किल की वजह से टला हादसा। बड़ी खबर, इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, समंदर से जंग की सबसे बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, रिम ऑफ द पैसिफिक में 29 देश शामिल, अमेरिका का एशिया प्रशांत बेड़ा कर रहा है मेजबानी, रूस चीन और नॉर्थ कोरिया से जंग पर फोकस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, समंदर से जंग की सबसे बड़ी तैयारी। ये देखिए जरा, रिम ऑफ द पैसिफिक में 29 देश शामिल, अमेरिका का एशिया प्रशांत का बेड़ा कर रहा है मेजबानी। आइए जरा इसका वीडियो गोप्रो दिखाते, देखिए जरा, समंदर से जंग की सबसे बड़ी तैयारी चल रही है। ये देखिए, एशिया पैसिफिक में दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री जंग की तैयारी। शॉट देखिए जरा आप, ये देखिए, अमेरिका का एशिया प्रशांत बेड़ा कर रहा है रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी, रूस चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जंगी तैयारी पर फोकस। रिम ऑफ द पैसिफिक ड्रिल में 29 देशों की सेना एक साथ कर रही है ड्रिल, इसमें भारत है, दक्षिण कोरिया, जापान, इजराइल और 7 यूरोपीय देश भी शामिल है। ड्रिल में 150 एयरक्राफ्ट, 40 शिप, 3 सबमरीन और 25,000 सैनिक शामिल है। 25,000 सेना नहीं, सैनिक शामिल है। इस सब के बीच में ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, काला सागर से भूमध्य सागर तक रूस का बारूदी बेड़ा। ब्रेक करिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग शॉट्स के साथ। ब्लैक सी, अजोव सी में 10 रूसी वॉरशिप की तैनाती, रूस की 3 कैलिबर मिसाइल को कैरियर भी तैनात। भूमध्य सागर में भी रूस की 2 वॉरशिप की तैनाती, विजय से पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा और सीधे इसको इसके अपर गोप्रो को दिखाइए। ब्लैक सी से भूमध्य सागर तक रूस का बारूदी बेड़ा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। भूमध्य सागर से काला सागर तक कभी भी शुरू हो सकती है नई जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लैक सी और एजोव सी में रूस ने 10 वॉरशिप की तैनाती कर दी है। ब्लैक सी में रूस के 2 वॉरशिप और एजोव में 8 वॉरशिप मौजूद है। ये 16 मिसाइल से लैस 3 रूसी कैलिबर क्रूज मिसाइल कैरियर तैनात है। ब्लैक सी और एजोव सी में रूसी तैनाती पर यूक्रेनी नेवी का दावा है। भूमध्य सागर में भी 24 कैलिबर मिसाइलों से लैस रूस के 2 वॉरशिप तैनात हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा, लेकिन उससे पहले जहां शॉट चल रहे वहां पर सीधे आइए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, समंदर में जो तैयारी चल रही है, व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? देखिए, दोनों तरफ से जो तैयारी है वो चरण पे है। अभी बात इतनी है कि कौन पहले शुरू करता है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जिस तरह तैयारियां हैं ये किसी टाइम भी आपस में टकरा सकते हैं। और ये जो ब्लैक सी का एरिया है, यूक्रेन और रशिया के अंदर एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। अगर यूक्रेन कोई ऐसा अटैक करता है जो नेटो की फोर्सेज हैं, जहां वेस्ट के जो शिप्स हैं वहां कोई एक्शन लेते हैं, तो दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इमिनेंट, जिसे हम कहते हैं, वॉर की एक निशानी है। क्योंकि जब फोर्सेस, खास करके नेवी की, आपस में आमो सामने हो जाती हैं और तैयारी पे होती हैं, तो ऐसे लगता है कि किसी टाइम भी वॉर जो है, पोलैंड नागरिकों को दे रहा है वॉर की ट्रेनिंग। 2035 तक सेना को हाईटेक बनाने का लक्ष्य। पोलैंड अपनी आर्मी की संख्या को करेगा 2 गुना। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस से जंग की तैयारी में पोलैंड, इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड नागरिकों को दे रहा है वॉर की ट्रेनिंग। 2035 तक सेना को हाईटेक बनाने का लक्ष्य। पोलैंड अपनी आर्मी की संख्या को 2 गुना करेगा। हाँ,
हैं।